तो गांधी मैदान में जनविश्वास रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने जेडीयू और बीजेपी पर करारा हमला किया। रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा और साथ ही कहा कि विधायकों को भले ही खरीद ले, लेकिन जनता को कहां से खरीदेंगे। तेजस्वी यादव ने आरजेडी का नया मतलब भी बताया। आरजेडी का मतलब अधिकार, नौकरी और विकास। इसके अलावा ये ऐलान भी कर दिया कि आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। आप लोग तो जानते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का। रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, और पी से पुअर, यानी बाप, यानी माई बाप ए टू जेड की पार्टी है ये। आरजेडी का मतलब मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन आरजेडी का मतलब है आठ से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार, नौकरियां, विकास, राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। जो उप मुख्यमंत्री जिनको बनाया है, जो बरबोले हैं, 14 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनाव नहीं लड़े और लड़े हैं और जीते हैं, तो आरजेडी से लड़े हैं और जीते हैं आखिरी बार भी। अरे हमारे चाचा तो पलटी मारते ही हैं, लेकिन शिवराज चौधरी भी कम नहीं है, 5-5 पार्टी बदल चुके हैं और आज तक चुनाव नहीं लड़े। ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम, लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी।